सो गाइस ये है वो दूसरा स्केच जो मैं बना रहा था, बट ये बहुत पेज मुड़ चुका है। सो मेरे को इस चीज़ की टेंशन हो रही है, तो अभी मैं इसको स्ट्रेट करके सही करने की कोशिश करूँगा। और अभी थोड़ी डिटेलिंग बची हुई है एक ऐप में, सो वो भी कर लेंगे। और ये फ़िलहाल ये काम ज़रूरी हो गया है, बिकॉज़ ये मेरे को अभी थोड़ी देर में देना है और वो आने ही वाले हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। और फिर मतलब ये स्ट्रेट कैसे होगा मैं ये सोच रहा हूँ, तो देखते हैं जब तक स्ट्रेट होता है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, और मेरे को रनिंग के लिए भी जाना है, बारिश हल्की रुक चुकी है, तो क्या पता हम स्केट्स भी ले जा पाएँ। फ़िलहाल तो अभी इसका देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अब कुछ हो नहीं सकता था, तो मैंने प्रैक्टिकल कॉपी में डाल दी है स्केच अपनी, तो दिखाता हूँ आपको कहाँ है। सो यहाँ पे है मेरा स्केच, उल्टा करके रखा हुआ है, और इसके ऊपर फिलहाल मैं रखने वाला हूँ बहुत ज़्यादा वजन, बिकॉज़ ये जल्दी चाहिए मेरे को। सो गाइस अब मैं इसके ऊपर रखने वाला हूँ याला कट्टा, बिकॉज़ याला रख दूँ क्या। सो ऊपर वाले रख दिया जो मैंने ऊपर से था, अब इसके ऊपर एक और रख देते हैं, देखते हैं क्या रहता है इसके बाद सीन। सो वेट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रुकेंगे, फिर देखते हैं कुछ होता है नहीं होता है। बाकी मेरा पोस्टर मुड़ चुका है, मेरे को इसको वो कराना है लेमिनेट, बिकॉज मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ इसको यूट्यूब के बगल पे। देखते हैं फिलहाल तो यहाँ पे। सो अब 10 मिनट हो चुके हैं, उठा के देखते हैं क्या हाल है। जय श्री राम, उठ जा भाई। सो याला ही बचा है। तो ये तो उठ गया, अब देखते हैं स्केच। भगवान हो गया हो सही। तो ये रहा अपना स्केच, और ये बहुत स्ट्रेट हो गया, तो मतलब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब थोड़ा बहुत नीचे ऊँचे बचा हुआ है, तो पहले नीचे का ऐसे करके डाल देता हूँ, फिर ऊपर से एक और डाल दूँगा, फिर ऐसे करके बंद कर लेता हूँ, और फिर से थोड़ी देर के लिए वजन रख लेता हूँ। पहले ये, फिर ये। सो गाइस ये है निंजा टेक्निक स्केच वगैरह सीधा करने की। और टिप्स के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो ये वाला स्केच तो सूख चुका है अच्छे से, और थोड़ी रफ वाली साइड किया है मैंने, क्योंकि उसमें ग्रिप बन जाती है पेंसिल की। सो ये फ़िलहाल जिसको देना है वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। और अभी ये वाला जो स्केच है मतलब यहाँ है अभी, और इसके ऊपर एक कैरी बैग रखा हुआ है जिसके अंदर है गेहूँ बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। फिलहाल जो मेरी कॉपी है प्रैक्टिकल की, वो पता नहीं क्या रहेगा उसका हाल, बट प्रेस टाइप की हो गई है पूरे स्केच में। तो अभी हो चुका है स्ट्रेट, डिटेलिंग भी हो चुकी है, और अब बच चुके हैं शाम के 5:30। तो ये फ़िलहाल शायद मैं मामा से मिलने जाऊँगा, देखते हैं जाते हैं जाते हैं। फ़िलहाल तो याला तो बन गया है, दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना मेरे को। एक ही वाला और एक ही वाला, इन दोनों में से आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है बता देना मेरे को कमेंट में। सब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, आज है ट्यूसडे, तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर पे, हनुमानगढ़ी पे, और रोज़ ही जाते हैं मतलब वहाँ तक वॉक करने के लिए। तो सोनी के साथ हूँ मैं अभी भी, और मतलब बहुत आज बहुत टाइम बाद मतलब मौसम साफ़ हुआ है, तो देखते हैं हम जा पाते हैं, मतलब जा तो रही है, देखते हैं रास्ते में कोई दुविधा तो नहीं आती है, और देखते हैं मौसम कैसा रहता है। वैसे भी फिलहाल बहुत सही हो रहा है, आप सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय कीजिए। तो ये फ़िलहाल 6:30 हो चुका है, और अभी हम चल रहे हैं, आधा रास्ता क्रॉस कर लिया हमने। सो गाइज़ अभी हम हैं पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए, और मतलब आगे बिल्कुल लॉन्ग व्यू है, बिल्कुल बहुत दूर दूर तक का सीन है, और फिलहाल तो अभी मस्त व्यू हो रहा है। और हमारे बगल की तरफ है मंदिर, मतलब इस तरफ नहीं उस तरफ है मंदिर। ये रहा मंदिर, आपको टॉप पे दिख रहा होगा हल्का फुल्का, वो देखिए आप सामने। हाँ तो ये है हमारा मंदिर जहाँ हमने अभी जाना है, और सुंदर यहाँ फोटोग्राफी कर रही है,
मस्त सीन हो रहा है आज, काफ़ी मज़ा आ रहे हैं आज तो। ये फिलहाल चलते हैं जल्दी जल्दी, अभी हम हनुमानगढ़ी पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा ही दूर है। और वो रहा मंदिर का रास्ता, यहाँ से ऊपर को जाता है। तो फिलहाल मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ तो कैमरा वाइब्रेट कर रहा है, मास्क लगाया तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। सो जल्दी जल्दी चलते हैं मंदिर, जाते हैं प्रसाद विराज लेते हैं, दर्शन करते हैं और आ जाएंगे फिर। सो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर और आगे से आंटी भी आ रही हैं। सो सामने ही है हिलेंस किचन और थोड़ा से आगे है मंदिर का गेट। और मतलब कुछ भी यहाँ भी भीड़ हो रही है, गाड़ी पैक हो रही है आगे से। हाँ तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर है मंदिर का गेट, ये सामने आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, बाद में मिलेंगे। पहन रहे शूज़ सुंदर में, वहाँ मंदिर से आ गया और शाम हो चुकी पूरी। तो गाइस अब हम दर्शन करके निकल चुके हैं वहाँ से मंदिर से। जय हो बजरंग। यह टीका और वहाँ मतलब बहुत शांति थी, तो हम थोड़ी देर बैठे भी वहाँ। और मतलब अभी सामने का व्यू भी मतलब बहुत अच्छा है और अभी सब खुला हुआ है, मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं चमक रहा है सूरज का थोड़ा बहुत, लेकिन सनसेट हो चुका है। सो सनसेट देखने आए थे मेन, बट भगवान जी के दर्शन हो गए, प्रसाद भी ले जा रहे हैं घर को। और अभी फ़िलहाल आज का दिन अच्छा जा रहा है, आज बहुत अच्छा दिन था आज। सो फिलहाल चलते हैं जल्दी जल्दी, घर के लिए लेट हो रही है। गाइज मैं हेयर बैंड में कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताना, थोड़े बाल उठ रहे हैं। और अभी लग रहा चमकादड़ मत सुने इसकी। तो अभी फिलहाल हम फोटो शूट कर रहे हैं थोड़ी देर, फिर घर को जाएंगे। और मौसम आप देख सकते हैं मस्त हो रहा है आज, खुला हुआ, मेरे चेहरे पे देख सकते हैं आप चमक। सो गाइज अभी मैं रात हो चुकी है पार्क में ही, 7:30 हो चुका है। मजा आ गया गाइस, मजा ही आ गया, क्या रेड कलर का सीन था, आया है कॉलर ले गई साथ में। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं घर को, बहुत लेट हो चुकी है, तब दौड़ते हैं चलो। बेटा पिटेंगे, पिटने वाले आज हम, दौड़ो। सो गाइस हम 8 बजे घर पहुंच गए थे और मैंने जो आर्टवर्क देना था वो भी दे दिया है। और फिर यहाँ घर आके डांट पड़ चुकी थी, तो अभी बज चुके हैं रात के 9 और अभी इस व्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।